सुजलॉन के, सुजलॉन ओके 9 रुपए पे लिया, काफी अच्छा। आज जितने भी दर्शक आ रहे हैं सब लगातार मल्टीफोल्ड रिटर्न ही कमा रहे हैं सुजलॉन में, जबरदस्त। आप कितना समय और दे सकते हैं? हाँ 1 ईयर ओके, 1 साल और दे सकते हैं। रवि जी क्या सलाह देंगे? 9 रुपए की खरीद है, भाव अब आप देख ही रहे हैं 42-43 के ऊपर चला गया है। क्या करना चाहिए, इनको रुकना चाहिए? और क्योंकि MSCI इंडेक्स में इंक्लूजन भी है, 30 नवंबर की वो तारीख तय है वो, तो क्या तब तक रुके या क्या करें? देखिए, एक रिटर्न भी एक मैक्सिमम टाइम पे पहुंचने के बाद वापस करेक्शन देता है। मुझे ऐसा लगता है कि विश्वमोहन जी इस समय 44 रुपए के पास स्टॉक चल रहा है, 2800 स्टॉक है, एक बार यहाँ पर 800 स्टॉक में इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बाकी स्टॉक को 40 रुपए के स्टॉप लॉस से चलने दीजिए। जहां तक जाता है, अभी पहला टारगेट मैंने जैसे बताया कि करीब 50 रुपए तक आता हुआ नजर आएगा, उस लेवल पर आता है तो वापस से डे टू डे एक्टिविटी में ईटी स्वदेश के साथ बढ़ें और अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ाएं। ऑनलाइन पर ही मौजूद है मयंक कुमार हैं अहमदाबाद से। मयंक जी फाइनल आप देखने जा रहे हैं क्या? हाजी हाजी, वर्ल्ड कप फाइनल आप देखने जा रहे हैं क्या? हाँ जरूर जरूर, अहमदाबाद में जाएंगे ना। ओके, अब बताइए कहाँ निवेश कर रखा है आपने या कहाँ खरीदारी करना चाह रहे हैं? मैंने अभी खरीदारी कौन सी चीज में? नहीं, आपके पास कौन से शेयर हैं? मेरे पास बॉम्बे डाइंग का शेयर है, जोमेटो बॉम्बे डाइंग और REC। हालांकि REC की डिटेल मेरे पास है, जो आपने भेजे होंगे मेरी टीम को, वो आपके पास 160 के भाव पर है। REC में जबरदस्त फायदा आपको हो रहा है, 2 गुना से ज्यादा भाव हो चुके हैं। विनी जी क्या करना चाहिए? REC, बॉम्बे डाइंग, इन दोनों स्टॉक में बता दीजिए इनको राय। नहीं, REC और बॉम्बे डाइंग दोनों होल्ड करें, दोनों काफी अच्छी फॉर्म विकेट पे है और इनके प्रोस्पेक्ट्स भी काफी बेहतरीन है आगे जाके, तो हम सलाह देंगे कि दोनों में बने रहे। जोमेटो में क्या करना चाहिए रवि जी, जोमेटो पर आपकी सलाह? देखिए, जोमेटो में इस समय वापस से तो मोमेंटम जरूर लिया है, तो टेक्निकल चार्ट पे तो आपको थोड़ा सा अभी यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर अगर थोड़ा सा निकलता, यानी कि अगर लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 130 के आसपास आके या 132 के आसपास आके थकता हुआ सा नजर आएगा, तो एक बार 130 के आसपास आता है तो एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए।